जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो बुलेटिन की शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ करेंगे। आपसे थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उससे आपको रूबरू करा देते हैं। पिछले 24 घंटे में 3,722 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना केस की संख्या 78,000 को पार कर गई है, 78,003 तक ये संख्या पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा 2,549 पर पहुंच गया है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 26,235 है। अब तक 2,500 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। तो ये तो बात हुई आंकड़ों की जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। सुबह 8 बजे तक का अपडेट है। और तीन शहरों से दरअसल बुरी खबरें आ रही हैं। शहर है मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर और गुना, इनकी बात भी करेंगे। लेकिन उस बीच आपको आंकड़े एक बार फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि देश भर से ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये वाकई हैरान और परेशान कर देने वाले हैं। लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। 78,003 तक अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 2,549 मौत का आंकड़ा है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 26,235 है। इसमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि लगातार टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है और यही वजह है कि संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर और गुना में हुए तीन हादसे, 16 मजदूरों की इनमें जान चली गई। हम आपको तीन तस्वीरें दिखाएंगे कैसे इन तीनों जगहों पर ये देर रात हुए हादसे हुए हैं, जिसमें पंजाब से पैदल बिहार जा रहे करीब 10 से ज्यादा मजदूरों को रोडवेज की एक बस ने कुचल दिया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतकों के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम अब किया जाएगा। पुलिस ने मौके पर बस को भी कब्जे में ले लिया है। एक अन्य हादसा एमपी के गुना में हुआ है। कंटेनर और बस की टक्कर में यहां 8 मजदूरों की जान चली गई है। हादसे में 55 मजदूर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कंटेनर में सवार ये सभी मजदूर अपने गांव लौट रहे थे। घटनास्थल से कंटेनर का ड्राइवर फरार हो गया है। कंटेनर पर सवार मजदूर महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे। गुना में कैंट थाना क्षेत्र के बाईपास पर यह हादसा देर रात 2:30 बजे के आसपास हुआ। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौक के पास बस और ट्रक की टक्कर में 2 की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ एमपी से ही जुड़ गए हैं। ये रवीश, दरअसल जो हादसा हुआ है वाकई अफसोसनाक, और अभी क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है, कितने जख्मी है, कितने लोग मारे गए? देखिए, आपको बताया नेहा कि इसमें 8 लोग जो हैं वो इस हादसे में मारे गए हैं। फिलहाल 54 मजदूर ऐसे हैं जो अभी जख्मी हैं। हालांकि इनमें से 3 ऐसे मजदूर हैं जिनकी हालत गंभीर है, और जिस तरीके से इनकी स्थिति अभी बनी हुई है ये मान के चला जा रहा है कि शायद 1 या 2 और संख्या जो है मृतकों की वो बढ़ सकती है, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। कुछ सुधार इनकी सेहत में फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है कल रात के बाद से। दूसरी तरफ आपको बताएं कि ये इस तरीके के हादसे जो है इसकी संभावना शुरू से ही बनी हुई थी, क्योंकि नेशनल हाईवे पे जिस तरीके से मजदूरों का रेला इन दिनों मध्य प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश से होकर के ही तमाम मजदूर बिहार और राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र और गुजरात से दाखिल होते हैं मध्य प्रदेश की सीमा में, और इसी वजह से फिलहाल सड़कों पर पैदल चलने वाले मजदूर या फिर ऐसी छोटी छोटी जो पिकअप और लोडिंग वाहन होते हैं उनमें बैठकर मजदूर जो है वो अपने अपने राज्यों की ओर जा रहे हैं। और इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया था मध्य प्रदेश की, इन मजदूरों को पैदल ना चलाते हुए और इन ट्रकों और लोडिंग वाहनों में न भेजते हुए बसों की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये बसों की व्यवस्था कर दी गई होती तो शायद ये मजदूर इस टैंकर में बैठ करके ना जाते, कंटेनर में बैठ कर ना जाते और इस तरीके हादसे का शिकार नहीं होते। तो सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर जो इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी हैं, यही वजह है कि अपने अपने साधन से मजदूर घर वापसी को मजबूर हैं। वहीं मुजफ्फरनगर की बात कर ले तो यहां पर भी बस ने मजदूरों को कुचल दिया है। मुजफ्फरनगर में देर रात हुए हादसे में 6 मजदूरों की जान चली गई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, बिहार की तस्वीर है समस्तीपुर की, जहां पर ये बस टकरा गई है। सुजीत झा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या डिटेल्स हैं इस हादसे के बारे में, कितने लोगों की जान गई है?
देखिए नेहा, इस हादसे में दो लोगों की जान गई है, जिसमें से एक मजदूर है और दूसरा बस का ड्राइवर है। ये बताया जा रहा है कि ये मजदूर जो है वो मुंबई से मुजफ्फरपुर आए थे श्रमिक ट्रेन जो चलती है उस ट्रेन से, और वहां से बस में भर के इन्हें कटिहार ले जाया जा रहा था। तभी समस्तीपुर के उजियारपुर में ट्रक से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बस के ड्राइवर की भी मौत हो गई और एक मजदूर की भी मौत हुई है। पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं और करीब उसमें 32 लोग सवार थे बस में, लगभग सभी को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, सबका इलाज समस्तीपुर के सदर अस्पताल में चल रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर से कटिहार की दूरी काफी है, लेकिन जो ट्रेनें आ रही है, जो श्रमिक ट्रेन आ रही है, उसमें मजदूर कहीं के मजदूर कहीं रहे, जिससे उनको वहां तक पहुंचाना काफी मुश्किल। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। समस्तीपुर की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, किस तरीके से ये ट्रक और बस दोनों क्षतिग्रस्त हुए हैं इस हादसे में, और चश्मदीद का क्या कहना है सुनिए। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, कटिहार जिला। हम लोग मुंबई से आ रहे थे, मुंबई से आ रहे मुजफ्फरपुर में उतरे, उसके बाद हम लोग कटिहार के लिए रवाना हुए। आते आते ये जगह घटना हुई। कितने आदमी बस में सवार थे? बस में हम लोग एक टीम का 27 आदमी थे, बाकी 4 या 5 और था दूसरे गाँव में। इसमें कि मरे कितने? मरे ये भी है, मेरा भाई है और ड्राइवर है। तो मजदूरों की ये खबर दरअसल हादसे से जुड़ी हुई है, लगातार इसी तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। इन मजदूरों का शहर शहर से पलायन अब भी जारी है, जिन्हें श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उनमें सैकड़ों मजदूर पैदल अपने घर पहुंच रहे हैं, तो कई शहरों में मजदूर घर वापसी का इंतजाम ना होने पर बवाल भी मचा रहे हैं। कोरोना काल में जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, तब से सबसे ज्यादा मुसीबत प्रवासी मजदूरों की हुई है, जो अपने अपने राज्यों से दूर बिना रोजी रोटी के फंसे हुए हैं। हालांकि उनमें से सैकड़ों हजार अपने गृह राज्य लौटने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों लाखों ऐसे हैं जो लौटने की कोशिश में हैं, जिन्हें साधन नहीं मिलने से उनका गुस्सा यूं सड़कों पर नजर आ रहा है। पहला मंजर देखिए मुंबई के नागपाड़ा का, जहां सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर बेलासिस रोड पर जमा हुए, इस मांग के साथ कि उन्हें अपने राज्य उत्तर प्रदेश भेजने के लिए ट्रेन की तुरंत व्यवस्था की जाए। हालांकि हालात बिगड़ते देर नहीं लगी और पुलिस ने लाठीचार्ज वाली अपनी भाषा में उन्हें समझाना शुरू किया। जी हां, फिर वहां भगदड़ के अलावा कुछ नजर नहीं आया। अगली तस्वीर गुजरात के कच्छ की है। कच्छ के गांधीधाम में राज्य वापसी की मांग के साथ प्रवासी मजदूरों ने हंगामा करते हुए कांडला गांधीधाम हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया। न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि पुलिस पर पथराव भी किया। मजदूरों का आरोप था कि उन्होंने यहां टिकट के पैसे दिए, फिर भी यूपी जाने वाली कोई ट्रेन यहां से नहीं खुली। यूपी के सहारनपुर में भी सड़क पर बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों की नाराजगी दिखी। दरअसल सभी मजदूर हरियाणा से चलकर सरसावा इलाके में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर जमा हुए, लेकिन वापसी की कोई तैयारी नहीं दिखी तो नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कहने लगे कि हरियाणा की फैक्ट्री में लाला डंडे मारता है और इधर नीतीश अपनाने के लिए तैयार नहीं। पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है हमारे बिहारी को। एक बंदा भूख भूख से मर रहा है, दुआ खाना खा रहा था, लाला दो रोटी खिला रहा था, वो डंडा मार के भगा रहा था। जिस कंपनी में काम कर रहे हो कंपनी वाले ने भगाना स्टार्ट कर दिया, कंपनी से बाहर हो जाओ। बाद में नाराज मजदूरों को शांत कर शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। बिहार और झारखंड के जो मजदूर हैं उनके संबंध में हम लोग संबंधित जो राज्य सरकार है, बिहार सरकार है, उसकी सहमति प्राप्त करके उसकी हम लोग व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शेष जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के निवासी हैं उन लोगों को हम लोग अपनी रोडवेज की बसें लगाकर लगातार भेज रहे हैं। परेशान मजदूरों की एक और तस्वीर नजर आई पंजाब के भटिंडा में, जहाँ सैकड़ों मजदूर अपने अपने राज्यों की ओर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँच गए। हालांकि वापसी की कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन ना जाने किसने अफवाह फैला दी थी कि ट्रेन रवाना होने वाली है। घर लौटने की आस में लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर स्टेशन पहुंचे, लेकिन निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। ना ट्रेन चली और ना ही कोई अधिकारी इनकी सुध लेने इनके पास आया। बेशक सरकार हर रोज श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है,
लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की तादाद ही इतनी है कि इन्हें संभालना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। भटिंडा से किरणजीत रोमाना, सहारनपुर से अनिल भारद्वाज और कच्छ से गिरीश जोशी के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। इस बीच देश के कई शहरों में चलने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच रही है। ज्यादातर ट्रेन बिहार, यूपी, झारखंड तक पहुंची। मुंबई से भागलपुर तक श्रमिक स्पेशल पहुंची, वहीं बेंगलुरु से बोकारो और लुधियाना से सीतामढ़ी भी हजारों श्रमिक ट्रेन पहुंच चुकी हैं। गुरुग्राम से दो ट्रेनें चली, बेंगलुरु से ऊना तक ट्रेन चली, वहीं मुंबई से भागलपुर, बेंगलुरु से बोकारो, लुधियाना से सीतामढ़ी और वहीं बेंगलुरु से अगरतला तक भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। बीस लाख करोड़ के राहत पैकेज में किसको क्या मिलेगा, इस पर जानकारी की दूसरी किश्त आज सामने आएगी। आज 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ऐसी खबर यह है कि आज वित्त मंत्री कृषि क्षेत्र और इससे जुड़े सेक्टर्स को लेकर राहत पैकेज के बारे में जानकारी दे सकती हैं। लॉकडाउन से ठप पड़े सप्लाई चेन को दुरुस्त करने की कोशिश पर भी वित्त मंत्री बोल सकती हैं। कल एमएसएमई फोकस था और साथ ही आज बताया जा रहा है कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र, उसके लिए ऐलान संभव है। कोविड-19 के कारण पूरे देश में पिछले 50 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है और इसी कारण जो है देश की जितनी आर्थिक गतिविधियां हैं वो बिल्कुल ठप पड़ी हैं और देश की अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल बंद हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी कड़ी में एमएसएमई, पावर और रियल स्टेट सेक्टर से जुड़े उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से कृषि और ग्रामीण उद्योगों के लिए जो है आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस घोषणा के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे पहले 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को लेकर कल वित्त मंत्री ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें छोटे, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ समेत अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 6 लाख करोड़ के सुपर डोज का ऐलान किया गया। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसकी बारीकी समझाने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आईं। एक के बाद एक घोषणाएं, सरकारी स्कीम और राहत पैकेज का ऐलान किया जिसमें सबसे ज्यादा जोर सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों में नई जान फूंकने का था। देयर इज अ कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर एमएसएमईज व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड। दिस विल गिव फैसिलिटी अप टू 3 लाख करोड़। सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऐसा लोन दिया जाएगा जिसके लिए काउंटर गारंटी या कोई संपत्ति दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोन 25 करोड़ रुपए तक के होंगे और 45 लाख उद्यमियों को फायदा होगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी की राहत के 30,000 करोड़ का ऐलान हुआ और बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ की राहत घोषणा। पीएफ ईपीएफ के लिए 2500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके तहत 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों में 3 महीने तक ईपीएफ का भुगतान सरकार खुद करेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा तक बदल दी है जिससे ज्यादा से ज्यादा उद्योगों और उनमें काम करने वालों को फायदा मिल सके। आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा और भारत निश्चित ही एक ग्लोबल ताकत के रूप में, इकोनॉमी के रूप में उभरेगा।
20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को सरकार कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं मान रही है, लेकिन विपक्ष अपना राजनीति धर्म अपना कर्तव्य मानकर निभा रहा है, चाहे कांग्रेस हो या फिर ममता दीदी। आज के हालात ये है कि हमें लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो कंजम्पशन बेस्ड हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको ताकत देने के लिए लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा, नौकरियां छट गई हैं, मजदूरी किसी को मिल नहीं रही, किसान को पर्याप्त अपना वसूली नहीं कर पा रहा फसल की, इस स्थिति में अधिकांश पैसा उन लोगों तक जाना चाहिए जो डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हम अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर नहीं ला। देखो प्रधानमंत्री जब बोलेছিলেন 20 লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ করা হচ্ছে, আমরা একটা আশান্বিত হয়েছিলাম, কিছু তো হলোই না, উপরন্তু ভাওতার পর ভাওতা, এটা কি দেশকে এভাবে ভাওতা দেওয়ার মানেটা কি? হালাকি নির্মলা সীতারমণ কি জানকারি দেনে কে বাদ প্রধানমন্ত্রী কি ওর সে এলান হুয়া কি পিএম কেয়ারস ফান্ড মে সে 1000 কোটি রুপে কা ইস্তেমাল প্রবাসী মজদুরো কে লিয়ে কিয়া জায়েগা और कोरोना से जंग के लिए कुल 3100 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड से दिए जाएंगे। भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र वाला विशाल देश है, जहां सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाने का पूरा हक विपक्ष को है, लेकिन आशंका ये भी है कि कहीं कोरोना महामारी के खिलाफ जंग को राजनीति का वायरस कमजोर ना कर दे। जयपुर से देव अंकुर वधावन और कोलकाता से मनोज्ञ लोहिवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली मेट्रो सेवा की शुरुआत क्या 18 मई से हो जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कल एक वीडियो सामने आने के बाद ये अटकलें तेज हो गई थी। इस वीडियो में क्या कुछ था देखिए। क्या 18 मई से पटरी पर दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो? मेट्रो ट्रेन के कोच में स्टिकर चिपकाने के इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली में मेट्रो शुरू करने को लेकर अटकलें गर्म हो गई हैं। माना जा रहा है कि ये दिल्ली में मेट्रो सेवा फिर से शुरू करने की तैयारी का हिस्सा है। रोजाना करीब 40 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली दिल्ली मेट्रो की सेवा 22 मार्च से बंद है। उस दिन पहली बार जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ था। बहरहाल दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू करने की अटकलों पर डीएमआरसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए कमर कस रही है। डीएमआरसी वर्तमान महामारी को देखते हुए विस्तृत सफाई और रखरखाव प्रक्रियाओं पर काम कर रहा है। दिल्ली मेट्रो के संचालन की तारीख अभी तय नहीं की गई है और जनता को उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा। मेट्रो की सभी प्रणालियों में सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक आदि को सेवाओं से पहले विस्तार से जांचना होगा। अगर दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू भी होती है तो तस्वीर पहले जैसी नहीं होगी, सफर का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। दो यात्रियों के बीच 1 मीटर की दूरी होगी, कतार में यात्रियों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी होगी। इसके लिए हो सकता है कि प्लेटफॉर्म पर सीमित यात्रियों को ही प्रवेश मिले। मेट्रो में सफर करने के लिए हर यात्री को चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मेट्रो में एंट्री करने से पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की भी सुविधा दी जा सकती है। थर्मल स्क्रीनिंग से यात्रियों के टेम्परेचर की जाँच होगी। संदिग्ध लोगों को सफर की अनुमति नहीं मिलेगी। आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। रेलवे ने 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू कर पहला कदम बढ़ाया। एयरपोर्ट पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब दिल्ली मेट्रो से अच्छे संकेत, संदेश साफ है कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा। अंकित यादव, दिल्ली आज तक। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ये बताइए कि किस तरीके की अब प्लान है, क्या 18 मई से वाकई मेट्रो शुरू होने की तैयारी कर ली गई है, किस तरह के नियम कायदे कानून बनाए जा सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आधिकारिक तौर से तो मेट्रो को अभी कोई सूचना नहीं है कि कब से शुरू करना है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने जो ट्रेन स्टाफ है उसको रखा है। मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली मेट्रो का एक ट्वीट आया है उसमें ये कहा गया है कि जो प्रशिक्षित हाउसकीपिंग स्टाफ रखे गए हैं और जो पैसेंजर मूवमेंट एरिया को साफ करेंगे। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो मेट्रो परिसर में मौजूद मशीनें हैं, जैसे एएफसी गेट है, लिफ्ट है, एस्केलेटर है, इनके लिए भी ट्रेंड कर्मचारी रखे गए हैं जो बार बार साफ करते रहेंगे। और जो डिस्टेंस की बात है वो तमाम चीज़ें फॉलो की जाएंगी। लॉकडाउन जो 4 है उसको देखते हुए जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है, तो मेट्रो को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि मेट्रो 4 18 मई से जो शुरू होगा उसमें मेट्रो
खुलने की संभावना हो सकती है। हालांकि मेट्रो के जो डीएमआरसी के पीआरओ हैं अनुज दयाल, उनका कहना है कि अभी हमको रीओपन करने को लेकर मेट्रो कोई सूचना नहीं है कि कब खोलना है क्या करना है, लेकिन हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर दी है। हर रोज सफाई का काम किया जा रहा है, मेंटेनेंस की जा रही है, तो हम लोग तैयार है। जब भी आदेश मिलेगा सरकार की ओर से हम लोग मेट्रो सेवाएं शुरू कर सकते हैं। उसी तरीके से हर रोज तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो स्पेशल ट्रेनें चल चुकी हैं, शहरों में फंसे लोगों को घर लौटाने की कवायद शुरू हो गई है। यह सिलसिला कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, लेकिन दिक्कत यही है कि लोग ट्रेन को आखिरी स्टेशन पर पहुंच तो रहे, लेकिन वहां से अपने घर कैसे जाएं, इस जद्दोजहद का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आज जब दिल्ली से ट्रेन पटना पहुंची तो ऐसा ही मंजर सामने आया। प्राइवेट सर्विस के लिए बोल रहे हैं और गवर्नमेंट बस सर्विस के लिए नहीं बताया जा रहा। बोले हैं कि अपने अपने गाड़ी में जाओ, अपना गाड़ी तो कुछ है नहीं। कोई व्यवस्था नहीं दिखा रहे, वो कह रहे हैं कि अपने गाड़ी करके जाइए, जैसे जाना है जाइए। ये मुसाफिर नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन से पटना पहुंचे हैं। लंबे इंतजार और भारी मुश्किलों के बाद किसी तरह पटना तो पहुंच गए, लेकिन अब इन्हें यहाँ से उन शहरों की तरफ जाने में दिक्कत हो रही है जहाँ उनका घर है। रेलवे द्वारा चलाए गए स्पेशल ट्रेन के जरिए आज दिल्ली से पहली ट्रेन जो है वो पटना पहुंची है और यात्री यहां पर निकल चुके हैं, लेकिन स्टेशन निकलने के बाद जो मुसाफिरों को सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इन्हें जो अपने जो गंतव्य स्थान यानी कि घर जाना है उसके लिए इन्हें कोई भी गाड़ी या व्यवस्था उन्हें नहीं मिल रही है। जो लोकल लोग हैं जिन्हें पटना में ही कहीं जाना है उनके लिए तो ऑटो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन जो लोग दूसरे ज़िलों में जाना चाहते हैं वैसे लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई गाड़ियाँ नहीं है लॉकडाउन की वजह से जो उन्हें पहुँचा सकें अपने जगह पर। अपने प्रांत में आकर भी लोग मुश्किल में पड़ गए हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि ऑटो और टैक्सी वाले मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑटो वाले 2-2 हज़ार रुपए मांग रहे हैं, गाड़ी वाले 4-4 हज़ार रुपए मांग रहे हैं। एक तो आदमी वहाँ से परेशान होकर यहाँ आया है, उसके बाद यहाँ भी जाने के लिए ये प्रॉब्लम हो रही है, आदमी कैसे जाएगा। एक तो साले ना टिकट सही ढंग से मिल रहा है, वो सब दलाल वगैरह सब चीज कर रहे हैं, और यहाँ अभी के आदमी तो यहाँ से कैसे जाएगा। यहाँ से काफी दूर है सर, लेकिन आप ऑटो वाले से पूछ लो कितना किराया ले रहे हैं, तो फिर यहाँ ये लोग है ना मिली भगत है ना सबकी, ऑटो वाले को छूट दे रखे इतने पैसे लेने की। कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, जो जैसे आया है बोल रहे हैं लोग वैसे जाओ, अपना कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ से जाने के लिए। हम लोगों को हमको जाना है मसरक। इससे पहले नई दिल्ली से जब स्पेशल ट्रेन पटना पहुंची तो यात्रियों के चेहरे पर राहत साफ नजर आ रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुसाफिर स्टेशन के बाहर निकलते नजर आए। बड़ी मुश्किल के बाद ये लोग अपने प्रांत लौटे हैं। क्या ये बेहतर नहीं होता कि रेलवे के साथ तालमेल बिठाकर राज्य सरकारें इन्हें इनके आखिरी गंतव्य तक पहुँचाने का इंतजाम करती। रोहित सिंह, पटना आज तक। और तमाम सख्ती और एहतियात के बाद राजस्थान में कोरोना वायरस के पांव लगातार बढ़ रहे हैं आगे की ओर। राजस्थान में कल ही एक दिन में कोरोना के 202 नए मामले सामने आए थे, जो अब तक किसी एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। राजस्थान सरकार से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 202 नए मरीजों को मिलाकर राजस्थान में अब तक कुल केस की संख्या 4,328 तक पहुंच गई है। राजस्थान में कोरोना के कल सबसे ज्यादा 61 मामले जयपुर से सामने आए। इसे देखते हुए जयपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शरद कुमार हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, टेस्टिंग बढ़ गई है इसकी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, या फिर गंभीर संक्रमण अब फैलता जा रहा है ये वजह है? देखिए, कोरोना फैलता जा रहा है ये वजह है। लॉकडाउन 4 का जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन आनी है उसका इंतजार किए बिना राजस्थान सरकार ने कल रात को ऐलान कर दिया है कि सैलून और शॉपिंग मॉल को छोड़कर अब जो कर्फ्यू एरिया है, कंटेनमेंट एरिया है, उसको उसमें सब खुलेगा। होटल, रेस्टोरेंट, चाहे शोरूम हो, दुकानें हो, सब खोली जाएंगी आज से। लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से जयपुर की सड़कों पर भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। लोग अब चल पड़े हैं और इसके साथ ही कोरोना भी चल पड़ा है। राजस्थान के करीब 33 गांवों तक कोरोना पहुंच गया है। 174 जो श्रमिक आए हैं महाराष्ट्र, गुजरात से,
वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पाली में तो एक पूरी बसी जो महाराष्ट्र से आई है वो पॉजिटिव निकला है। तो ये जो लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इससे कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये राजस्थान सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि जो 12 लाख 14 लाख लोगों ने यहाँ आने के रजिस्टर्ड कराया है नेहा, उसमें सबसे ज़्यादा 8 लाख करीब महाराष्ट्र और गुजरात से राजस्थान आना चाह रहे हैं, और जो आ रहे हैं उसमें शायद ही कोई ऐसा बैच निकल रहा है जिसमें कोरोना पॉजिटिव नहीं हो। तो अब देखा जा सकता है किस तरह से जो ग्रीन जोन थे राजस्थान में 6 जिले, उनमें तो ऐसा हो गया है कि गांव-गांव में कोरोना फैल गया। जालौर, सिरोही जैसे इलाके हैं वहां कोरोना का कहर बढ़ गया, जबकि ग्रीन जोन इलाका था। इसी तरह से पुष्कर जैसा शहर, जैसलमेर जैसे शहर में कोरोना फैल गया। तमाम ऐसे शहर हैं शरद, जयपुर के अलावा, जहां पर इस वक्त संक्रमण फैल रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, जिस अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का खात्मा मुश्किल है, ये जारी रहने वाला है। ये WHO की तरफ से कहा गया है। WHO ने लॉकडाउन खत्म करने की कोशिशों को लेकर भी चेताया है। लंदन ट्यूब की यह तस्वीर जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशों का एक हिस्सा है। 23 मार्च को शुरू हुए लॉकडाउन के बाद कल से रियायतें शुरू हुई हैं। यूके यूरोप के कोरोना से बुरी तरह प्रभावित देशों में सबसे आगे है। कोविड-19 से 30,000 ज्यादा मौतें यहां हुई हैं। अमेरिका के बाद किसी देश में इससे ज्यादा मौतें नहीं हुई हैं। लंदन की तरह ही तमाम देशों ने अब लॉकडाउन को हल्का करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन कोशिशों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि कोरोना जाने वाला नहीं है। To put this on the table, this virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. माइक रियान का कहना है कि लॉकडाउन खोलने से कोरोना प्रभावित देश एक दुष्चक्र में फंस जाएंगे। इसका नतीजा लॉकडाउन वापसी के रूप में हो सकता है। If you reopen in the presence of a high degree of virus transmission, then that transmission may accelerate. If that virus transmission accelerates and you don't have the systems to detect it, it will be days or weeks before you know something's gone wrong. भारत भी 18 मई से लॉकडाउन की सख्ती में ढिलाई में विचार कर रहा है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की यह चेतावनी चिंता में डालने वाली है। दुनिया भर के कोरोना केस के आंकड़े जारी करने वाली जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक आज तक ब्यूरो। अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के सांगानेर जिले में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर होने के आह्वान का साक्षात सबूत दिखाई दे रहा है। जी हां, यहां की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होकर हजारों मास्क तैयार कर रही हैं और उन्हें इंतजार और बड़े ऑर्डर का है। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, और इस महायुद्ध का एक सबसे बड़ा हथियार है चेहरा ढकने वाला मास्क। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजस्थान के सांगानेर जिले की, जहां महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सेवी संस्था अपने हुनर, अपने हौसले और देश के लिए योगदान के अपने जज्बे के साथ मास्क बनाने के काम में जुटी है। सांगानेर की इन महिलाओं का काम इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार आत्मनिर्भरता की बात की, इस पर भारत की पहल की बात की। आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है। ऐसे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में तमाम महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 15 मार्च से अब तक 10 करोड़ मास्क और 3 लाख लीटर हैंड सैनिटाइजर बनाया है। अलग अलग राज्यों के गांवों में लगभग 2 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। सांगानेर जिले की इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं में भी काबिलियत है कि वो महज एक दिन में 1,000 से ज्यादा मास्क तैयार कर सकती हैं, बस इन्हें ऑर्डर मिलता रहे। अभी तक हमने 1900 मास्क तो दे चुके हैं ऑर्डर पे, और 8,000 का वो है ऑर्डर आया है, वो भी हमें हमारे पास बना पड़ा है और हमें ऑर्डर चाहिए बस।
अच्छा जितने जितना आएगा उतना बनाने को। यस मैम, सिर्फ हम लोग का ऑर्डर की कमी पड़ रहा है। हर लेडीज 500 से 1000 तक भी मतलब डेली यदि कहे ना तो बना सकती हैं, बिल्कुल कंप्लीट, मतलब फटाफट लेके जाओ। 500 से 1000 एक दो, हाँ दो जने आपस में मिलके बहुत फटाफट बनाती है, मतलब जस्ट केवल ऑर्डर आना चाहिए हमारे पास में। इतनी एक्टिव है लेडीज यहाँ की सारी, बस इंतजार करिए ऑर्डर अच्छा आ जाए तो ना हम बिल्कुल परफेक्ट माल मतलब टाइम से ऑर्डर लेके और पहुँचा सकते हैं। सांगानेर ही नहीं, राजस्थान में ऐसी कई महिला संस्थाएं दिन रात मास्क और सैनिटाइजर बनाकर कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग को और धारदार बनाने में अपना किरदार निभा रही हैं। इनका यही कहना है कि एक दिन में कोई क्षमता पर कोई सीमा नहीं है, उतना बना सकती हैं, बस ऑर्डर्स का इंतजार है सबको। सिर्फ ऑर्डर की कमी पड़ रही है, बनाने वाले हाथ यहाँ पर कम नहीं है। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, सांगानेर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।